खास करके शंभू बैरियर के उपर खड़ा जिथे कि पहला बैरीकेड किसानों वालों तोड़ दिता गया है। इसको तोड़न तो बाद अगली जड़ी की बैरीकेडिंग है उस वाल किसान वाते नजर आ रहे हैं, जिस करके ये कहा जा सकता है कि मेरे पिछले भी तस्वीर देख सकते हो, खास तौर पर जिथे हरियाणा पुलिस ने खास वे इंतजाम किए सी उन्होंने इंतजाम देखा कि वे इंतजाम किसानों वालों किए गए किसानों वास्ते किए गए सन, पर उन्होंने सारे बैरीकेडर तोड़ के जेडे कि किसान संघर्ष दख जथेबंदियों ने वो हरियाणा के एंटर कर चुकिया ने, जो एक बड़ा लक्ष्य सी वह लक्ष्य उन्होंने पूरा होंगे नजर आ रहा कि पहली पौड़ी जी उन्होंने पूरी कर लिती है। सो पुल के उपर बिल्कुल टोल प्लाजे के कोल जरा कि एक बड़ा धरना जरा बैरीकेडर लगाया गया से, इस बैरीकेडर तोड़िया गया तो उस तो बाद हम जिहड़े कि किसान ने वो दिल्ली वाल कूच करते नजर आ रहे हैं। तो दसिया जा रहा है कि उस तो थोड़ी दूर जाके एक वड्डा जिहड़ा कि बैरीकेड है वो हरियाणा पुलिस वालों तैनात किया गया। सो खट्टर सरकार नहीं चाहती कि किसान जिहड़े कि दिल्ली पहुंचण, किसी ना किसी हिले वसीले इन्हां नूं रोकिया जाए, पर उत्थे ही जिथे पंजाब तो वख-वख जथेबंदियां इत्थे पहुंचियां हुई ने उन्होंने ये बैरीकेडर नूं तोड़ के अगे आउण दी जिहड़ी कि सफलता है वो लै लती है। मैं अपने कैमरामैन विक्रम गिल जी नूं कहांगा कि इस पासे प्रशासन ने पुलिस दीआं जिथे गड्डियां लाईआं सन उत्थे ही बसां दा भी इंतजाम कीता सी, जिस दे विच कि उन्हां नूं लगदा सी कि जेकर गिरफ्तारियां भी करनियां पईआं तो गिरफ्तारियां भी कर लैणगे। इस करके हरियाणा रोडवेज दीआं कुछ बसां भी तुसीं इत्थे देख सकदे आ कि वह इत्थे खड़ियां ने, ते दूजे पासे जिथे एंबुलेंस की सुविधा सी ते दूजी आम पब्लिक की गल की जाए तो उन्होंने भी तुसीं इत्थे चहलकदमी करदे देख सकदे हो। तो उत्थे ही बजुर्गों का हजूम जिहड़ा वो काफ़ी उत्साहित है, तो वो दिल्ली में वधना चाहते हैं तो जल्द तो जल्द दिल्ली पहुँचना चाहते हैं। कैमरामैन विक्रम गिल के नाल मैं परमजीत, लाइव अपडेट इस दिन तुहाडे लई दिंदा रहांगा।